चित्रकला में लावण योजना है। लावण योजना द्वारा बाह्य संदर्भ की अभिव्यक्ति होती है। अगला है, संबंधता का सिद्धांत किसे कहते हैं? उत्तर, प्रमाण की प्रमाण को। अगला प्रश्न, चित्रकला में प्रमाण क्या है? उत्तर, किसी वस्तु का डिटेल या मान निर्धारण। अगला प्रश्न, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से जानते हैं? उत्तर, प्रमा। अगला है, चित्रकला में प्रमाण और किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति से संबंधित किया गया है। चित्रकला में भाव से क्या तात्पर्य है? उत्तर, चित्रकला में आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। अगला प्रश्न, अंडाकार चेहरा, पान पत्ते वाला चेहरा, खंजनाक्षी, मीनाक्षी, मृगाक्षी, पटलाक्षी आदि क्या भाव प्रकट करते हैं? अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव, पान के पत्ते वाला चेहरा चंचलता का भाव, मीनाक्षी चंचलता का भाव, मृगाक्षी सरलता व निरपराधिता का, पटोलाक्षी सात्विकता व शांति का, खंजनाक्षी प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हैं। रसो वैसा का क्या तात्पर्य है? रस से परमानंद की प्राप्ति होती है। राजस्थानी शैलियाँ किस कारण विश्वभर में प्रसिद्ध हैं? उत्तर, भाव व रस की प्रधानता के कारण। भाव व्यंजना कितने प्रकार की होती है? उत्तर, दो प्रकार की होती है, पहला प्रकट, दूसरा प्रच्छन्न। प्रकट जिसे देखा जा सके, फूल पत्ती पक्षी कुत्ता याद। प्रच्छन्न जिसे अनुभव किया जा सके, रोना हंसना गाना अर्थात आदर का अंदर का। लावण्य किसे कहते हैं? उत्तर, रूप परिमिति को। चित्रकला में बाह्य सौंदर्य का बोधक है। उत्तर, लावण्य। अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक कौन है? भाव है। भाव को दीप्ति कौन देता है? उत्तर, लावण्य। लावण्य को परिभाषित कीजिए। पहनने की साड़ी पर सुनहरी किनारी के समान चित्रकला में लावण्य होता है। अगला प्रश्न, चित्रकला में सादृश्य क्या है? सादृश्य का मतलब है चित्र की प्रतिकृति या देखे गए रूप की समान आकृति ही सादृश्य कहा गया है। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र को नामक अध्याय में सादृश्य प्रमुख वस्तु माना गया। उत्तर, चित्रम सादृश्यम कर्णम प्रधानम प्रकीर्तितम। अगला प्रश्न है, वर्णिका भंग क्या है? नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्रकला खड़ंग में सबसे कठोर क्या है? उत्तर, साधन वर्णिका भंग को माना गया है। खड़ंग का चरम बिंदु क्या है? उत्तर, वर्णिका भंग को माना गया है। वर्णिका भंग के बारे में महादेव पार्वती से क्या कहते हैं? वर्णम ज्ञानम यदा नास्ति किम तस्य जप पूजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वर्ण पांच प्रकार के माने गए हैं। पंडित यशोधर किसके दरबार के प्रख्यात विद्वान थे? जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे। आलेखन का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर, चित्रकला कामसूत्र के 64 कलाओं में से एक है। आलेख्य का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर, आलेख्य का शाब्दिक अर्थ चित्रकला है, कामसूत्र के 64 कलाओं में से एक है। अगला प्रश्न, कामसूत्र में किस अधिकार व अध्याय के ऊपर टीका लिखी गई है? उत्तर, कामसूत्र के प्रमुख अधिकरण के तीसरे अध्याय पर टीका लिखी गई है। प्रमाण के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रमाण का पर्यायवाची शब्द मान, सीम, कद इत्यादि। अनुपात के उचित माप को किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तर, प्रमा नाम से। चित्र सूत्रम के अनुसार पुरुषों की आकृतियों की माप, हंस पुरुष 108 अंगुल, भद्र पुरुष 106 अंगुल, माल्यव्य पुरुष 104 अंगुल, रोचक 100 अंगुल, सशक 90 अंगुल। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृति को कितने प्रकार बताए हैं? उत्तर, नर, देवता, राजा, पुरोहित, मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण आदि। क्रूर 12 ताल, साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल, असुर 16 ताल, वामन 5 ताल, कुमार 5 ताल इत्यादि। प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। चौड़ाई की दृष्टि से शरीर के अंगों की माप बताइए। एक दूसरे के कंधे तक की चौड़ाई 3 ताल व 6 ताल, डेढ़ ताल व 6 कटी, 1/4 ताल कूल्हे, 1/3 ताल हाथ, 4 ताल होता है। कंधे से कोहनी तक 1/3 ताल, कोहनी से कलाई 1/4 ताल, हथेली 1 ताल। संपूर्ण मुख के कितने भाग किए जाते हैं? उत्तर, संपूर्ण मुख के 3 बराबर भाग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के नेत्रों का उल्लेख है? उत्तर, चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख है। चापाकार नेत्र, मत्स्योदर नेत्र, उत्पल पत्र नेत्र, पद्म पत्र नेत्र, रासा नेत्र आदि। चंचलता का भाव दिखाने में आँखों का प्रकार है? उत्तर, मृग की आँखों के समान। अगला प्रश्न, चित्रकला में आंतरिक सौंदर्य लाता है? उत्तर, भाव चित्रकला में आंतरिक सौंदर्य लाता है। अगला प्रश्न, चित्रकला में बाह्य सौंदर्य लाता है? उत्तर, लावण योजना। चित्रकला में दाल की तरह दाल में नमक की भांति किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, दाल में नमक के समान ही चित्रकला में लावण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के शरीर रचना
के लिए प्रधान रूप से निम्नमत अपमानों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पुरुष की भौं है नीम पत्ती के समान, स्त्री की भौं है धनुष के समान, अधर पल्लव के समान, अधरोष्ट वंदजीव पुष्प के समान, उसके बाद कान गृह की आपत्ति के अनुसार। चित्र खड़ंग रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश वर्णिका भंग, ये हैं। काम सूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं, कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं, जय मंगला के लेखक पंडित यशोधर हैं, खड़ंग के लेखक पंडित यशोधर को ही माना गया है। आगे देखते हैं, चित्र सूत्र मार्कंडेय मुनि का है। काम सूत्र के किस अध्याय में खड़ंग का वर्णन है? तो उत्तर है काम सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे अधिकरण में आलेख्य चित्रकला का वर्णन है। अगला प्रश्न, आलेख्य के 64 कलाओं में किस नंबर पर कला रखा गया है? उत्तर, चौथे नंबर पर आलेख्य। आलेख्य चित्रकला का टीका किसने लिखा? उत्तर, पंडित यशोधर ने जय मंगला नाम से। अगला प्रश्न है, खड़ंग का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? उत्तर, कामसूत्र से। भारतीय शिल्प के खड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 1921 में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अगला, सोमेश्वरदार रचित मानसोल्लास में रूपों के प्रकार बताए गए? उत्तर, 5 प्रकार के। पहला विध, दूसरा विध, तीसरा भाव, चौथा रस, पांचवा धूलि। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कितने प्रकार के रूप बताते हैं? उत्तर, 4 प्रकार के, सत्य वैणिक नागर मिश्रित। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं धन्यावलोक लोचन अभिनव भारती काव्य कौतुक विवरण इत्यादि। दोस्तों, आप लोगों को अगर एक जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।